जय देवी माई तुमरू घर की भगवती तेरा साथ में बाउन दू जो रूनी माई तेरा पास में भनरिया गोल जो रूनी दे माई चौनी का चिरसेन बाउनी का बीरसेन भगवान तेरा साथ में मालवाती भराड़ी देवी घोगरा घर की भगवती। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं उत्तराखंड ट्रैकर्स। दोस्तों, आज हम लोग रोज सुबह रनिंग के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा कि सभी लोग को हल्द्वानी की एक बहुत फेमस जगह दिखाई जाए। काफ़ी लोग हल्द्वानी को, जब भी हल्द्वानी आते हैं या हल्द्वानी के जितने लोग भी होते हैं, लगभग वहाँ सभी लोग ने विजिट किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ काठगोदाम में स्थित माँ शीतला देवी के मंदिर की। तो आज हम जा रहे हैं माँ शीतला देवी जी के मंदिर में। हल्द्वानी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप लोग को उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, उसमें वो यहाँ कब से स्थापित है, क्या उसकी कहानी है, सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, तब तक का मिलते हैं आप लोग से मंदिर में जाके। थैंक यू। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी जिस जगह पे हूं मैं, ये मैं आप लोग मेरे पीछे से देख पा रहे होंगे, ये गुलाब घाटी, इस जगह को कहते हैं गुलाब घाटी या गुलर घाटी नामों से जानते हैं इस जगह को। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, शहर से पहाड़ की तरफ जो लोग जाते हैं और इस जगह पे जब पहुंचते हैं तो उनको पहाड़ आने की सफल अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ से जो पहाड़ों का नज़ारा है। जय देवी माई तुमरू घर की भगवती तेरा साथ में बाउन दू जो रूनी माई तेरा पास में भनरिया गोल जो रूनी दे माई चौनी का चिरसेन बाउनी का बीरसेन भगवान तेरा साथ में मालवाती भराड़ी देवी घोगरा घर की भगवती सिकार मुलायण धनार भजन संडका नौलिन आठ की कालिका कुमुकी हालिका नंदा हिमाली घर की कर देवी तेरा गोता भैरव कोखी का कलवा पीठ में नरसिंह या मैं गोरे नेत्र में सुमल देवी जागीरी लागी काली सेवा तुझी कार करिए। शीतला देवी का मंदिर घने जंगल के बीच स्थित बहुत ही शांत एवं मन को सुकून देने वाला है। दोस्तों, हम लोग मुख्य द्वार से अब आगे की ओर मंदिर की ओर चल दिए हैं। यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर मंदिर जो है, जो माता शीतला देवी जी का मंदिर है, यहाँ से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ी हल्की सी चढ़ाई है, कोई भी नॉर्मली कोई भी लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्की बहुत सीढ़ियाँ हैं तो आराम से रुकते रुकाते अगर आप थक जाते हैं, ऐसा कोई नहीं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस पास नहीं है, आप लोग आराम से आ सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ शीतला देवी का मंदिर हल्द्वानी शहर से 6 किलोमीटर उत्तर की ओर में स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों ओर से सागौन के घने जंगल के बीच बसा माँ शीतला देवी का यह पावन धाम श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर प्रांगण में माँ शीतला देवी जी की मूर्ति के साथ साथ गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी तथा श्री श्री 108 महाराज भुवन चंद्र ब्रह्मचारी जी की मूर्ति एवं शिवालय भी मौजूद हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माँ शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में सूप, कलश, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। जी, ये शीतला माता का मंदिर है। आज से 100 साल पहले ये मंदिर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति को बनारस से गंगा स्नान करवाने के बाद पहाड़ के ओर ले जा रहे थे, यहीं पे रुके नीचे गुलाब घाटी में, और रात को उनके सपनों में माता रानी आई और माता रानी ने कहा कि मेरे को इस स्थान पे स्थापित कर दो जहाँ पे अभी स्थापित है। वो लोग एक पेड़ के नीचे स्थापित करके गई और यहाँ के लोगों को बता के गए कि आज से माता रानी की देखभाल आप लोग करना, हम पूजा हफ्ते में पूजा करने के लिए आया करेंगे। धीरे धीरे ऐसे चला, आज माता रानी की कृपा से ये सब कुछ है। ये माता शीतलता प्रदान करती है। जब बच्चों को माता निकल गई, चिकन पॉक्स कहते हैं, उसमें शीतलता प्रदान करती है। माता का शस्त्र झाड़ू है और उनकी सवारी गदा है। तो दोस्तों, ये था माँ शीतला देवी जी का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर।
आप लोग अगर कुमाऊं में हल्द्वानी या काठगोदाम आते हैं तो ज़रूर एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। माँ शीतला देवी के आशीर्वाद से आप लोग के जरूर शीतलता और जीवन में शांति प्रदान होगी। तो माता जी का नाम लेके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा उत्तराखंड ट्रैकर्स। दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय उत्तराखंड।